गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन की। तो शुरुआत करते हैं इसको इसकी डिफिनेशन से। डिफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो क्या है ए साइक्लो एडिशन? इज ए रिएक्शन इन विच टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन टू यील्ड ए साइक्लिक प्रोडक्ट। तो दो हमारे पास अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, पहला ये रहा दूसरा ये रहा। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल मतलब अनसैचुरेटेड से पहले समझिए, पहले सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड जैसे कि सर में सिंगल बॉन्ड हो कार्बन 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 और इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो हाइड्रोजन से ना, तो ये होता है सैचुरेटेड। लेकिन अगर इसके बीच में कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये हो जाता है अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। तो हमारे डिफिनेशन में क्या है, इनविच जिसमें टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन। अब दो अनसैचुरेटेड को हम अगर एडिशन रिएक्शन कराएं तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। तो ये रहा, तो ये रहा वह टू और ये रहा टू, फोर पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें रहा टू पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगी फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन और इससे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा और ये होगी थर्मल कंडीशन में। और ये टू पाई इलेक्ट्रॉन, ये रहा टू पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगी हमारी टू प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन और ये होगी फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो हमें यह प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी हम इसको बॉन्ड को मूव करा के देख लेते हैं कैसे मिलेगा। ये बॉन्ड अगर इधर मूव हो, ये इधर और ये वाला इधर, तो ये वाला अगर ये पोजीशन आप फिक्स कर दें और इसको इससे मिला दें तो इधर एक बॉन्ड बनेगा और इस पोजीशन को फिक्स करके इसको बॉन्ड को इधर घुमा दें तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और इस पोजीशन को फिक्स करके इसको हम इधर घुमा दें तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। तो वही यहाँ पर बना है, यहाँ पर आ गया ये जो बॉन्ड इधर मूव हुआ तो इधर आ गया डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड इधर मूव हुआ तो इधर आ गया ये सिंगल और ये वाला जब इधर मूव होगा तो इधर आ जाएगा एक सिंगल बॉन्ड, तो ये हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब इसमें देखिए एक दो तीन पाई इलेक्ट्रॉन थे लेकिन यहाँ पर दिख रहा एक, तो यहाँ पर लॉस हुआ दो पाई इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ टू पाई इलेक्ट्रॉन, टू पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड का लॉस हुआ है और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। गेन का या फिर फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन ऑफ टू सिग्मा बॉन्ड। तो अब हम देखते हैं FMO मेथड। तो FMO मेथड तो हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिंग में देखा था, उसी से रिलेटेड कुछ है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है वो बताना है मुझे। तो इसमें क्या है, फॉर ए साइक्लो एडिशन रिएक्शन देयर ए मस्ट बी बॉन्डिंग ओवरलैप बिटवीन पी ऑर्बिटल्स एट द टर्मिनल कार्बन ऑफ ईच पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज वेयर न्यू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड। तो जैसे कि अगर हम इसको लें, इसको मैं अगर इस तरह से बनाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस घुमा दी। तो अभी इसमें हमें क्या करना है कि टर्मिनल कह रहा है ना, इसमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन देयर मस्ट बी बॉन्डिंग ओवरलैप, इसमें बॉन्डिंग करने के लिए इसमें पी ऑर्बिटल का ओवरलैप होना ज़रूरी है, तो उन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होनी चाहिए टर्मिनल कार्बन ऑफ पाई सिस्टम। तो ये रहा हमारे पास टर्मिनल वाला। तो सबसे पहले हम मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ और यहाँ पर पाई बॉन्ड ना दिखाकर यहाँ पर मैं पी ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ सिर्फ टर्मिनल वाले पे, ये हो जाएगा इसके लिए। और हम इसके लिए अगर यहाँ यहाँ पर ड्रा करेंगे ये इस तरह, अब इस इन दोनों बॉन्ड की यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी तब जाकर यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अभी तक जैसे कि हमारे पास ऐसे ऐसे जैसे इस तरह से ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास हमारे पाई बॉन्ड होता है, लेकिन जब यहाँ से हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से इस तरह से अगर ओवरलैपिंग होगी तब हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें अब क्या हो रहा है, अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो सुपरफेशियल या तो इंट्राफेशियल, इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा। लेकिन अभी जो बॉन्डिंग है ओवरलैपिंग है वो ऐसे होगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या करा है, फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है ये वाली, फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन में जो ये फोर पाई वाला सिस्टम है इसे कहा जाता है डाई, और ये जो टू पाई वाला सिस्टम है इसे कहते हैं डाइनोपाई। ये होता है हमारा डाइईन और ये होती है डाइनोफाइल। और जो डाइईन होता है यहाँ पर लिखा है डाइईन इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पर देखिए दो चार चार पाई, चार इलेक्ट्रॉन है, चार पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, तो डाइईन जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉन
रिच होती है, डाइजन हमारी इलेक्ट्रॉन रिच, और डायनोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन पुअर या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कह सकते हैं। ये हमारा डायनोफाइल, इसमें 2π इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो अब जब इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है तो डाइन का जो होता है वो होमो इंट्रैक्ट करता है और डायनोफाइल का ल्यूमो। तो डाइन का होमो इंट्रैक्ट करता है और डायनोफाइल का ल्यूमो इंट्रैक्ट करता है। फोर प्लस टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ होती है थर्मल कंडीशन में, और 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है वो होती है सिर्फ फोटोकेमिकल कंडीशन में। ये वाले रिएक्शन को अगर हम फोटोकेमिकल में कराएंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, या फिर इस 2+2 को हम थर्मल में कराएंगे तो ये प्रोसीड नहीं होगी, ये रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये क्यों होगा इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल हम देख लेते हैं कि सुप्राफेशियल और इंट्राफेशियल क्या होता है। तो देख लेते हैं इसे, तो देख लेते हैं कि सुप्राफेशियल, तो सुप्राफेशियल है इफ बोथ द न्यूली फॉर्म बॉन्ड्स आर जनरेटेड बाई अटैक फ्रॉम द सेम फेस द पाई सिस्टम डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड सुप्राफेशियल। अब देखते हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये रहा हमारे पास ये एक ऑर्बिटल, अगर हम इसमें दिखाएं ये प्लस और ये रहा प्लस और इसमें माइनस, ये रहा माइनस, एग्जांपल है हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ पर अगर हम ले लीजिए माइनस और ये माइनस और ये प्लस तो इन दोनों को बीच का जो इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पर कह रहा है ना कि सेम फेस जनरेटेड बाई अटैक फ्रॉम दी सेम फेस, तो ये सेम फेस, ये माइनस और इधर भी माइनस, सेम फेस से अटैक होगा तो ये हो जाएगा हमारा सुप्राफेशियल। इसको हम कह सकते हैं कि सुप्राफेशियल, दोनों सुप्रा सुप्रा इंट्रैक्शन कह दें कह दीजिए या फिर कहिए इसे सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल। लेकिन इंट्राफेशियल क्या है, इफ बोथ द न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड्स आर जनरेटेड बाय अटैक फ्रॉम द अपोजिट फेस, ये दोनों जब अटैक करेंगे ये अपोजिट फेस होना चाहिए, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये अगर प्लस हो जाएगा तो ये अपोजिट, इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए अगर इसमें हम अगर मान लें प्लस, इसमें भी प्लस मान लें और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम प्लस ले लें और अगर हम यहाँ पर माइनस ले लें तो ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर तो ये सुप्रा हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस ये माइनस, यहाँ पर सेम फेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, तो ये इंट्रैक्शन इससे होगा, इससे जाकर ये इंट्रैक्शन होगा वो इससे होगा, तो ये इसे इंट्राफेशियल कहते हैं। तो यहाँ पर ये सुप्राफेशियल हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है वो हमारा इंट्राफेशियल है, तो इसे हम कहेंगे इंट्राफेशियल। अगर हमारा दोनों फेस सेम साइड से अगर इंटरेक्ट करेगा तो हम कहेंगे सुप्राफेशियल, अगर हमारा ये फेस अपोजिट होगा ये माइनस ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा हमारा इंट्राफेशियल। अगर अगर ये दोनों इंट्रा हो जैसे कि कुछ इस तरह से, अगर इसमें दिखाएं हम प्लस, इसमें प्लस ये माइनस और इसमें प्लस ये माइनस, अब आप कहेंगे कि ये इसका इंट्रैक्शन इसमें, इसका इंट्रैक्शन इसमें होगा, ये इंट्राफेशियल नहीं। तो अगर हम इसको इस तरह से मूव करा देंगे तो ये दोनों माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, ये सुपरा सुपरा इंट्रैक्शन हो जाएगा, इसमें सुपराफेशियल हो जाएगा। तो हमारा एक सुपरा होगा एक इंट्रा होगा तो हमारा हो जाएगा इंट्राफेशियल, अगर दोनों सुपरा होंगे तो सुपराफेशियल, अगर दोनों इंट्रा होंगे तो फिर भी हो जाएगा सुपराफेशियल। अगर ये अगर हम इसको मूव करा देते हैं ये माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, इधर भी ऊपर आ जाएगा, तो इन दोनों का इंट्रैक्शन हो जाएगा वो सुपरफेशियल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।